हेलो एवरीवन वेलकम बैक आज की क्लास में हम ग्रामर स्किल्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक गैप फिलिंग की प्रैक्टिस करेंगे वो भी दिल से प्रैक्टिस से पहले गैप फिलिंग की ट्रिक्स को समझना ज़रूरी है फर्स्ट रीड द पैराग्राफ सिंसियरली एंड गेट द सेंस ऑफ द टेंस इट मींस पैराग्राफ को सिंसियरली पढ़ें और पैराग्राफ किस टेंस में है प्रेजेंट में है पास्ट में है फ्यूचर में है यह सेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है सेकेंड थिंग यूज़ एलिमिनेशन ट्रिक एलिमिनेशन ट्रिक मीन्स वन बाय वन डिलीट द रोंग ऑप्शन आपको फोर ऑप्शन होते हैं फिल करने के लिए वन बाय वन रॉन्ग ऑप्शन को डिलीट करते चले जिससे आपको ईजिली आपका राइट right ऑप्शन मिल जाएगा किसी ऑप्शन को लेकर अगर आप हंड्रेड परसेंट श्योर हैं तब एलिमिनेशन ट्रिक में अपना टाइम हमें वेस्ट करना नहीं होता है सो हेयर इज़ पैराग्राफ फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन वीडियो को पॉज करें रोक लें पैराग्राफ को सिंसियरली रीड करें ऑप्शंस को समझें टेंस का सेंस लें जहां रिक्वायर्ड है एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करें ऑप्शंस की हेल्प से गैप्स को फिल करें आफ्टरवर्ड्स अपने आंसर्स को मेरे आंसर्स से मैच करें आई होप यू हैव कंप्लीटेड नाउ मैच योर आंसर सर लियोन सैड इन फ्यूचर कंप्यूटर्स वुड बी विच वुड बी एनफ टू बी कैरीड पॉकेट्स पैराग्राफ और ऑप्शंस को पढ़ने के बाद समझ आता है सर लियोन ने कहा था फ्यूचर में कंप्यूटर्स इस तरह से इतने छोटे बनाए जाएंगे कि इनको पॉकेट में रख कर ले जाना ईजी हो जाएगा सर लियोन सैड दैट इन फ्यूचर कंप्यूटर्स वुड बी मेड विच वुड बी स्मॉल एनफ टू बी कैरीड इन पॉकेट्स सर लियोन सैड फर्स्ट ऑप्शन में दैट ऑप्शन को ही करेक्ट ऑप्शन क्यों किया गया क्योंकि सर लियोन ने ये स्टेटमेंट दिया है ना कि कोई क्वेश्चन रेज किया है सर लियोन सेड दैट इन फ्यूचर कंप्यूटर्स वुड बी वुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आएगी इसलिए वुड बी मेड सेकेंड ऑप्शन में मेड ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन लिया गया है थर्ड ऑप्शन के लिए एलिमिनेशन ट्रिक का हम यूज़ करेंगे लिटिल और लेस क्वांटिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं दोनों ही ऑप्शन डिलीट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ क्वांटिटी का मैटर नहीं है बात आती है स्मॉल small और स्मॉलर में तो यहाँ पे कोई कॉम्पेजन नहीं की गई है एक कॉम्प्यूटर्स के बारे में सलियों ने स्टेटमेंट दिया है इसलिए यहाँ पर स्मॉलर भी डिलीट हो जाएगा रॉन्ग हो जाता है तो हमें राइट right ऑप्शन मिल जाता है स्मॉल सो विच वुड बी स्मॉल इनफ टू बी कैरीड अब भाई पॉकेट में इट मीन्स क्या है कि पॉकेट के अंदर रख के ले जाना है तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं बोलकर ही स्वयं में आ रहा है एनफ टू बी कैरीड यस इन पॉकेट्स इसलिए ऑप्शन इन करेक्ट है नाउ हेयर इज पैराग्राफ सेकेंड वीडियो को पॉज करें पैराग्राफ को सिंसेरली पढ़ें ट्रिक्स का यूज करें आफ्टरवर्ड्स मैच योर आंसर विद माई आंसर पहले पैराग्राफ को सिंसियरली पढ़ते हैं समझते हैं टू ऑर्गेनाइज ए पार्टी एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए फर्स्ट गेस्ट लिस्ट हैज़ टू बी अप सब से पहले गेस्ट लिस्ट बनाई जाती है दैक्सट द वैन्यू डिस अपॉन फिर वेन्यू डिसाइड किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द गेस्ट लिस्ट और गेस्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही द फूड आइटम्स एंड कैटर आर फाइनलाइज द गेस्ट आर बाई गेस्ट को फिर इनवाइट किया जाता है उनको इन्फॉर्म किया जाता है वेन्यू और टाइम के बारे में नाउ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी फर्स्ट गैस लिस्ट हैज टू बी हैज टू बी भाई पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमें समय में आता है पहले गेस्ट लिस्ट बनाई जाती है फिर वेन्यू डिसाइड किया जाता है गेस्ट को इन्वाइट किया जाता है तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है फर्स्ट थिंग इज आर एम के साथ और जो बी होता है हैज टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वहाँ पर आती है बहुत सिंपल इस टूर को लर्न कर लीजिएगा सो फर्स्ट गैस लिस्ट हैज़ टू बी ड्रॉन नेक्स्ट द वेन्यू हैज टू बी डिसाइडेड डिपेंडिंग ऑन द गेस्ट लिस्ट द फूड आइटम्स एंड फाइनलाइज द गेस्ट आर इनवाइटेड गेस्ट आर इन्वाइटेड नाउ द क्लास इज ओवर एंड आई होप आपने गैप फिलिंग प्रैक्टिस को दिल से किया होगा इफ यू डू हैव एनी डाउट कंप्लेन और सजेशन देन राइट मीन कॉमेंट फर्स्ट पैराग्राफ में फोर ऑप्शंस थे फोर मार्क्स के लिए सेकेंड पैराग्राफ में थ्री ऑप्शंस थे थ्री मार्क्स के लिए आउट ऑफ सेवन आपने कितना स्कोर किया मुझे भी कॉमेंट में राइट करें वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स